चेक करता हूँ कि किस किस ने क्या क्या वर्किंग की हुई है और क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, सो ओपन कर लेते हैं एंड चेक करते हैं। अच्छा, सब ने जिनकी प्रॉपर अभी तक ऐसी पूरी नहीं है उन्होंने ड्रॉफ ही रखने हैं, बाकी जिनकी 80+ है उन्होंने जस्ट पब्लिश करना है। ठीक है, सो कैसर की भी फुल है, बिलकुशा की, उजाला की। अच्छा एसन, आपका आ रहा था इशू। यस सर, समय 70 के करीब हमने कर ली थी। किधर है आपका ब्लॉक, किधर है? साइबर अवेयरनेस के नाम से होगा अच्छा, ये सर, ये रहा ठीक ऊपर जो आ है, रहा है। 69 के राउंड आपकी जो है ना वो कंप्लीट है। गुड, ब्लॉक तो ठीक है। इसके बाद हम एसईओ देखते हैं, एसईओ स्कोर। एसईओ स्कोर में आपका आया साइबर अवेयरनेस चैलेंज 2024। एरर्स जो आ रहे हैं वो आपका आ रहा है एक्सटर्नल लिंक नहीं है, इंटरनल लिंक नहीं है, इमेज विद अ फोकस कीवर्ड। अच्छा, ये जो इमेज आपने इसके अंदर एंटर की हुई है इसको आपने यस सर, ओपन करना है मीडिया लाइब्रेरी में। सबसे पहले आपका जो फोकस कीवर्ड है ये आपका टाइटल में भी है, टाइटल ही आपका फोकस कीवर्ड है। और कोशिश करनी है एंड पे कॉलन है, इसको नहीं, इसको मिटा देना, ये नहीं लिखते कॉलन्स। ठीक है, कॉलन सब लिखते हैं जब ओके आगे सर, आपने कोई जो है ना वो हाइलाइटिंग वर्ड लिखना हो। ठीक है इसके सर। बाद हम ओपन करते हैं मीडिया लाइब्रेरी। आपकी जो इमेज है ना मीडिया लाइब्रेरी में जाके, ये जो इमेज अभी आपके सेलेक्टेड हुई हुई है जी सर, ये वाली, ठीक है, आप ये इसका ऑल टेक्स्ट है, देख रहे हो? इसमें जाके आपने कीवर्ड ठीक है ऐड सर, करना है, समझ गया। टाइटल में, ऑल टेक्स्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और इसको कर देना सेलेक्ट। आप वो देखो 75+ हो गई। ठीक है, ठीक है सर। इमेज ऑल टेक्स्ट भी क्लियर हो गया। क्या सर ये कहते लिंक हैं, आउट है। ठीक है, इमेज ऑल टेक्स्ट क्लियर हो गया। अब लिंक, एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक लगाने के जी लिए सर, सिंपल हम चेक करते हैं, अगर कोई किसी कंपनी को इसके अंदर रेफर किया तो उस कंपनी की वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक लगा देना आपने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई कंपनी रेकमेंडेड है, कंपनी कोई रेकमेंड नहीं की इसने, तो हम क्या करते हैं फिर, हम साइबर क्रिमिनल्स, इसके ऊपर हम इस वर्ड के ऊपर लगा देते हैं। साइबर क्रिमिनल्स का मैं सर्च करूंगा गूगल पे, और कुछ कैंडिडेट मीटिंग में सारे आए ना, मुझे लगा पेंडिंग में कोई। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स में जाके मैं सर्च करता हूँ, और माइट भी शायद विकीपीडिया के ऊपर मुझे इसका मिल जाए हाइपरलिंक, तो उसके ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा, एक्सटर्नल लिंक। ये साइबर क्राइम है यहाँ पे, मैं चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ, साइबर क्राइम। हाँ, ये साइबर क्राइम के ऊपर जो है ना मैंने ये लगा देना, विकिपीडिया के ऊपर साइबर क्राइम के ऊपर बताया हुआ कि साइबर क्राइम्स है क्या चीज़। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं मिल रहा तो विकिपीडिया पे जाके किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करो जो मुश्किल वर्ड हो, उसके ऊपर आपने जो है ना वो अपना एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक कैसे लगाना है, साइबर क्राइम्स का मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और साइबर क्राइम के ऊपर ही ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर लेना है, ये है आपका लिंक, लिंक पे क्लिक कर लेना है, कंट्रोल वी एंड एंटर। आपका लिंक जो एक्सटर्नल लिंक भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर इंटरनल लिंक नहीं है, इंटरनल लिंक डालना है। अब ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है ये साइबर अवेयरनेस चैलेंजेस मतलब के टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ब्लॉग लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अब आपने क्या चेक करना है, ऐसा ही आपने है सर। blog.webdevsolutions.com चेक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद ना आपने टेक्नोलॉजी में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाने के जो रेलिवेंट ब्लॉग है ना इससे रिलेटेड वो आपने मेंशन कर देना, जिस तरह से
ओके सो मैं देखता हूँ। साइबर के अंदर मेरे ख्याल नहीं लिखा हुआ कोई भी, ये सॉरी बैक पे लिखा हुआ है एक। अभी देखो मैंने, आपने चेक करना है कौन सा ब्लॉग इस ब्लॉग से रेलिवेंट करता है। तो मैंने क्या दिया, मैंने इसको ऑलरेडी एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको मैं रेकमेंड कर दूँ, कह रहा हूँ नेविगेशन द साइबर अवेयरनेस चैलेंज। आपका क्या है, आपका भी सेम है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्लॉग, फिल्म ये मैंने ही ब्लॉग लिखा था 2023 में देखा 9th में। हाँ मैंने ऑलरेडी इसको ब्लॉग लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, इसके ऊपर इसका भी कोई मैं हल निकालने लगा। आपको कोई दूसरा एक ब्लॉग मैं रेकमेंड कर दूंगा इसके ऊपर, जैसा से मैंने ये लिखा था साइबर अवेयरनेस नेविगेशन द चैलेंजेस साइबर वेस्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड इनसाइट्स, इसके ऊपर लिखा था मैंने ये। सो एनी हाउ इसके ऊपर फिर मैं कोई और ब्लॉग रेकमेंड कर देता हूँ, जिस तरह से राइट फॉर ये विल कर लेते हैं, ये 6 वीक सर्जिकल टेक पर बनाइए, ये रहने दो ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड लाइफ और एजुकेशन इंपॉर्टेंट टू सही यूएस सही हो बस अनवीलिंग द टेक्नोलॉजी कलेप्सिंग फॉर द फ्यूचर, ये ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब जब मैं, अगर आप जो है वो ब्लॉग डॉट वेब रिसोर्सेज डॉट कॉम ओपन करते हो और यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करते हो, तो उसका मेन बेनिफिट क्या होगा, इसका लिंक भी कॉपी हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एज इट वर्डिंग भी कॉपी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले जब हम लगाते थे ऑल्सो रीड के अंदर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑल्सो रीड सेमी कॉलन, इसका लिंक भी साथ कॉपी हो जाएगा, देख रहे हो ऑलरेडी इसके ऊपर लिंक लगा होगा। जी अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हो तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करते हो तो लिंक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वर्ड के ऊपर ऑलरेडी लिंक लगा हुआ है इसी का, ठीक है। 83 हो गई। अब कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमारा अच्छा ये सर, जो ऑप्शन है अगर ना मैं यूज अगर हमें एआई, वेब 2 के अलावा हाँ हेलो आवाज आ रही है। सर, मैं कह रहा हूँ अगर हमें वेब 2 के जैसे वेब 2 सॉल्यूशन में जैसे आ रही है बस। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छा मैं कह रहे थे अगर हमें वेब 2 सॉल्यूशन के अलावा किसी का लगाना हो, अब जैसे आपके में ये ब्लॉग से रिलेटेड था जो ना कीवर्ड जो अभी मिल गया है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये ब्लॉग नहीं लिखा हुआ हो ठीक है, तो फिर लाजमी सी बात है फिर मुझे कोई दूसरी वेबसाइट विजिट करनी होगी। ओके तो इस वो बन जाता है एक्सटर्नल लिंक। अब मैं दिखाता हूँ उसका भी यही तरीका हुआ कि वो, ये मैं सिर्फ आपका है उसका इंटरनल लिंक जो है लिंक वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो। पेस्ट कर, वो भी ये सेम तरीके का रहा है, लेकिन वो आपका ना एक्सटर्नल लिंक बन जाएगा। ये है आपका इंटरनल लिंक, इंटरनल ठीक है सर, लिंक। इंटरनल लिंक वो लिंक्स होती हैं जो आप ही की वेबसाइट पर रिवॉल्व करते हैं, मतलब आप ही वेबसाइट का किसी दूसरे पेज का, वेब पेज का लिंक, उसको इंटरनल लिंक कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी साइड पे होता है आपका, जिस तरह से मैंने इसके ऊपर लगाया है अभी साइबर क्राइम्स के ऊपर, वो आपका था एक्सटर्नल लिंक, जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हो, समझ रहे हो, क्योंकि हमने इस चीज़ को वेरीफाई चेक कर, एक आपका एटलीस्ट एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए और एक इंटरनल लिंक होना चाहिए, लेकिन एक एक नहीं है। अगर मैंने जो है ना साइबर सिक्योरिटी से रिगार्डिंग काफ़ी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो मैं अपने इंटरनल लिंक उसको अंडर डालूंगा, मल्टीपल लिंक्स डालूंगा, एटलीस्ट 4 से 5 तो लाजमी डालूंगा। अब इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जब क्रॉलर इस पेज को करेगा ना क्रॉल, तो वो इसके पेज के अंदर जितने लिंक्स लगे होंगे ना, वो यस उनको भी सर। क्रॉल कर लेगा, इंडेक्सिंग में ले जाएगा। हमारा मेन मकसद होता है कि हमारा समझ गया ब्लॉग सर, जल्दी इंडेक्स कर दे, ठीक है। ओके सो ठीक है सर। कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर हमारा ये वाला जो है ना चेक मार्क नहीं हो रहा, इस पर क्लिक कर लेना आपने एंड यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर लेने, देखो ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मैं पेड वाला यूज़ कर रहा हूँ मैथ साइन, आपके आपको भी मैंने दिया हुआ, आप वेबसाइट से यूज़ कर सकते हो।
कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मल टोन मेन कीवर्ड, कीवर्ड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है एंड कीवर्ड आपका जैसा सही है साइबर चैलेंजेस है और साइबर चैलेंजेस एंटर कर देना एंड जनरेट, तो वो आपका कुछ एआई कंटेंट भी जनरेटेड करने लग जाएगा ताकि आपको जो है ना वो फर्दर आपकी परफॉर्मेंस है वो जल्दी क्लियर हो जाए। अच्छा सर ये एक रिपीट चीज़ करिएगा, ये आपने क्या बताया है ये रिपीट कीजिएगा अब दोबारा से। ओके सो बेसिकली क्या है उजैर भाई रिकॉर्ड भी कर लें, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी इस टाइम, ठीक है। इन दैट केस आपका जो है ना, अब कई कैंडिडेट्स कहने के सर हमारा जो है ना ये वाला फीचर ऑन नहीं है, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। ये क्या करेगा, आपका सारा कंटेंट जो है ना ऑप्टिमाइज करेगा अकॉर्डिंग टू योर फोकस कीवर्ड, ठीक है। वैसे ये ना भी यूज़ करो तो इसका मसला कोई नहीं है, ये वाला बाकी सारे आपके चेक मार्क्स होने चाहिए, इसको मैं ना भी यूज़ करूँगा ना तो इसका कोई मेजर मसला नहीं है इसका, बाकी सारा ब्लॉग लिखा हुआ है दैट्स इनफ, ठीक है। एंड ब्लॉग आपका जो है वो कितने नंबर्स का है, 1400 वर्ड्स, ठीक है। ओके हो गया बस, अब एसएन कंप्लीट हो गया, समझ आ गई जी सर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी में जाना है और इन डैट केस ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लिखा हुआ है तो आपने एक न्यू कैटेगरी ऐड कर लेनी है साइबर सिक्योरिटी। सर ये क्या क्या था आपने दोबारा समझे नहीं हम, क्या क्या कह रहे हो आपने क्या किया था अभी, ये जो ऑप्शंस आए आपके पास पोस्ट, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ, इस पे क्लिक करना है आपने, सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपने, पोस्ट में जाना है, पोस्ट में जाओगे तो आपके पास यहाँ से कैटेगरीज आ जाएगी, कैटेगरीज के अंदर जाने के बाद आप टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहे हो, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, आप किसके ऊपर लिख रहे हो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो आपने ऐड न्यू कैटेगरी करनी है, ऐड न्यू कैटेगरी करने के बाद आपने पेरेंट कैटेगरी को रखना है टेक्नोलॉजी और इसके अंदर एक न्यू कैटेगरी ऐड करनी है साइबर, सिंपली साइबर लिख दो या साइबर सिक्योरिटीज लिख लो या साइबर टेक्नोलॉजीज लिख लो या कुछ भी, साइबर सिक्योरिटी लिख लो, साइबर सिक्योरिटी लिख लें और ऐड न्यू कैटेगरी कर देना तो आपके टेक्नोलॉजी के अंदर एक न्यू कैटेगरी ऐड अप हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इन दैट केस अगर यहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं ऐड है और स्क्रॉल डाउन कर लेना, आपने टैग्स के अंदर भी लाजमी लिखना है टेक्नोलॉजी, तो वो आपको फर्दर टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग भी दिखाने लग जाएगा, मेरा जो है ना टैग टेक्नोलॉजी और यहाँ पे मैंने अपना फोकस कीवर्ड लाजमी ऐड करना है, ठीक है। फोकस कीवर्ड भी हो गया ऐड और साइबर सिक्योरिटी लिख दिया, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आपने सेट फीचर इमेज, फीचर इमेज को सेट कर देना, ये फीचर इमेज है इसको सेट कर देना, सेट हो गई। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको कर देना पब्लिश, इंप्रूव योर कंटेंट विद पर्सनल, इसको रहने दो अभी, ओके। सो एसन का ब्लॉग हो गया वह क्लियर, बाकी कैंडिडेट्स का एसन दूसरा ब्लॉग लेके सर आप मेरा देख लें, आपकी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, अब आपने दूसरा ब्लॉग लिखना है दूसरे कीवर्ड के ऊपर, अब ये तो मैंने करेक्ट करवा दिया, अब मैंने नेक्स्ट आपका चेक करना है, ठीक है, ठीक हो गया एसन, ओके सर मैं समझ गया, सेकंड वन सर इससे नीचे वाला देख लें मेरा है, ओके सो सर ये आपका ब्लॉग है, ठीक है। ओके तो एसयू स्कोर जो है वो 77 है, किस चीज़ की कमी है, डेंसिटी, आपकी डेंसिटी कम है फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड क्या है आपका, सिंगल टूथ इम्प्लांट विदाउट
इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी डेंसिटी कंप्लीट करेंगे, ये होती है कीवर्ड डेंसिटी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपल कंट्रोल एफ कर लेना है। कंट्रोल एफ करने के बाद मैंने अपने कीवर्ड का मेंशन कर दिया, जैसे मेरा कीवर्ड है सिंपल टूथ इम्प्लांट एंटर। तो ये तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी है विदाउट इंश्योरेंस, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल टूथ कॉस्ट लिखा हुआ, नहीं देखो सिंगल टूथ इम्प्लांट कॉस्ट विदाउट इंश्योरेंस, हालांकि ये दोनों वर्ड सेम है। अच्छा ये पूरा आपका कीवर्ड आ रहा है, ये भी ठीक है विदाउट सर, ये कंप्लीट यही वर्ड था। सिंगल टूथ इम्प्लांट प्राइसेस सिंपल विदाउट कॉस्ट इंश्योरेंस, कितनी दफा आपका रिपीट हो रहा है कंटेंट के अंदर, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इसके बाद आगे कहीं भी नहीं आ रहा, इम्प्लांट कॉस्ट लिख देना आपका। ये पूरा जो है ना वो कीवर्ड है, इसको मैंने मेंशन कर देना सिंगल टूथ इम्प्लांट कॉस्ट विदाउट इंश्योरेंस, यहाँ पे लिख देना विदाउट इंश्योरेंस। Without insurance, ठीक है। Without insurance, without insurance, without insurance. The cost of simple tooth implant. Simple इसको कर देंगे, the single tooth implant. Cost को ख़त्म करके हम आगे factor manage कर देंगे। एक ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यह single tooth implant cost without insurance कर देंगे, क्योंकि कीवर्ड हमारा पूरा मैच नहीं कर रहा। हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, वो जल्दी आपके उसमें इम्बेड हो जाते हैं, क्योंकि वो टू वर्ड्स के होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टेल होते हैं उनको हमें फोर्सफुली एडिट करवाना पड़ता है उसके अंदर। कॉस्ट ऑफ सिंगल टोन नॉन विदाउट इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब मेरा 12 टाइम्स आ गया है। ओके, सो आपका ना मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, सिंगल टूथ के दरमियान ना आपकी एक गैप आ रहा है। तो मैंने इस गैप को फिल आउट करने के लिए मैंने अपना जो है ना ये, अब मैंने देखना कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये देखो ना, द वर्ल्ड ऑफ सिंगल टूथ इम्प्लांट्स, इस गैप को आपने जो है ना कवर अप करना है, क्योंकि अगर बीच में माइनस का साइन भी हो तो वो भी डिटेक्ट नहीं किया जाता। और इम्प्लांट कर रहा मैं अभी, और विदाउट इंश्योरेंस ये सेम मीनिंग दे रहा, तो इसको भी मैं अपने फोकस कीवर्ड में चेंज कर दूं। सो मच एक्सपेंसेस, बर्थ इज सिंगल टूथ इम्प्लांट प्रोसीजर, सिंगल टूथ इम्प्लांट्स प्लांट्स इम्प्लांट्स इम्प्लांट्स। ओके, सो मेरी डेंसिटी कहाँ तक कंप्लीट हुई, 14 हो गई, ग्रीन हो गया, इसका मतलब ठीक है। ये चीज़ समझ आई, और कोशिश करनी है जहाँ पे आपका सिंगल टूथ स्पेस है ना, ये माइनस उसको कैंसिल कर दो, वरना वो एक ही वर्ड कंसीडर करेगा गूगल इसको, तो उससे क्या होगा कि हमारी एसईओ प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगी। मतलब इसमें अगर डैश है तो इसको रिमूव कर दूं, रिमूव करना है, बिकॉज़ हमारा जो कीवर्ड है उसके अंदर डैश नहीं है। इन दैट केस हमारे कीवर्ड के अंदर डैश होती तो हम उसको भी इंक्लूड कर देते इसमें, क्योंकि हमने अपना कंटेंट इस टाइम, अभी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, हम जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंग टू द गूगल, ठीक है, राइट सर। ओके सो ठीक हो गया, अब कहीं नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर यूआरएल हो गया, यूआरएल अभी यूआरएल लॉन्ग आपका। तो यू आर एल में एडिट में जाते हैं एंड सिंगल टूथ इम्प्लांट विदाउट इंश्योरेंस टू मेंशन नहीं करना सर। ये मैं रिमूव करती हूँ, ये बार बार आ जाता है टू इसके साथ, ये क्यों आ रहा है, बार आ जाता है, नहीं आ रहा, दोबारा आ जाता है सर, अभी 5-10 मिनट के बाद फिर आ जाएगा, मैं कल से इस पे खप रही हूँ, कोई नहीं। अच्छा इन डैट केस अब देख लो, कीवर्ड ही हमारा लॉन्ग कीवर्ड है, और वो कह रहा है कीवर्ड हमारा लॉन्ग है, और वो हमें इस चीज़ का एरर भी दे रहा है, योर कीवर्ड इज 76 कैरेक्टर लॉन्ग, कंसीडर शॉर्टन इट, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर ही नहीं सकते। तो इस केस में हम इसको जो है ना इग्नोर कर देंगे,
क्योंकि हमने अपना कीवर्ड डालना ही यूआरएल में कंप्लीट, ठीक है, कीवर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इसके बाद क्या आ रहा है, कंटेंट इज इमेजेस एंड एआई कंटेंट टू इंप्रूव योर इसको रहने दो, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके ओके सो सर ये टाइटल्स में भी आ रहा है, टू एरर आ रहे हैं टाइटल रीडेबिलिटी में, मैं चेक कर लेता हूँ जस्ट एक मिनट। ओके सो अच्छा कुछ, अब देखो आपने कर तो लिए कीवर्ड सेलेक्ट, लेकिन अभी मैं आपको जो है ना वो रेकमेंड करूँगा कि आपने वो कीवर्ड यूज़ नहीं करने जो ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है आप ब्लॉग्स उनके ऊपर लिख ले मैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कीवर्ड के ऊपर सर्च करो वो कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करना जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ। वो चीज़ कैसे सेलेक्ट चेक कर सकते हो आप, कि हम कैसे चेक करें कि इस कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग लिख लिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अपने जो है ना पोस्ट में, आपके पास इस तरह से ओवरव्यू आ रहा होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड का आ रहा है ऑप्शन, इसका मैं प्लगइन कर दूंगा इससे आपको पता लग जाएगा। वैसे यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसको कैसे चेक करना है, सिंपल आपने स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है, और अभी इसके ना 94 पोस्ट हैं, तो आपने क्या कर लेना है, इसको 100 पे सेट करके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आपने जो है ना वो आपका जो फोकस कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया हुआ वो आपने कंट्रोल एफ कर देना है, सर्च कर लेना यहाँ पे, जिस तरह से मैं ऑलरेडी सर्च कर लेता हूँ, जिस तरह से ये मैंने कीवर्ड ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह से ये हाइपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाइपर लोकल सोशल मीडिया मार्केटिंग कंट्रोल है, इधर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ये देखो एंटर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कीवर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका होगा, ठीक है। हेलो यस सर, यस सर, जी सर, जी सर। अब वो कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करने जो ऑलरेडी यूज हो गए हुए हैं। मंडे को इंशाल्लाह मैंने आपको ना बैक ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताना है, अभी आपकी ऑन पेज एसईओ चल रही है और आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ के बाद चेक कर ले वो जो है ना लिंक बिल्डिंग के बारे में बताना है एंड फर्दर ऑन आगे जाके बताना है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि नहीं? अब ये जो आप दे रहे हैं ना क्रॉस का, हाँ जी क्लियर है, इसकी 80% से अबव क्यों नहीं जा रहा पता है? द मेन रीजन इज दैट के यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड, मतलब ये मैंने कीवर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है। द रीजन बिहाइंड दिस के इस वजह से ये 80% से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो हम इसके अंदर एक और वर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं, माइट भी शायद ये हो जाए क्लियर। नेविगेटिंग द सिंगल डोज इम्प्लांट पोज विदाउट इंश्योरेंस, ओके सो नेविगेटिंग द हाउ टू गेट सिंगल टूथ क्लास, यहाँ पे कीवर्ड आएगा हाउ हाउ टू गेट लिखा है ना, तो आप देखो टाइटल का स्कोर कहाँ पे पहुँच गया है, 72 पे, ये चीज देख रहे हो, हाउ टू कोशिश करनी है, यस जी सर, कोशिश करनी है, इसको अगर आप मेंटेन कर लो ना हाउ टू,
तो यकीन जानो ये सबसे अच्छा टाइटल होता है जो गूगल रेकमेंड करता है। तुम्हारा मेन कीवर्ड है इसके अंदर। अब ये अगर लिखा हो ना हाउ टू गेट, अगर इसका अब हाउ टू गेट मैंने क्यों लिखा, सिंगल टूथ इम्प्लांट विदाउट इंश्योरेंस, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये लिख दूंगा हाउ टू गेट सिंगल टूथ इम्प्लांट कॉस्ट विदाउट इंश्योरेंस, तो एक लोगों को ना ज़्यादा यकीन हो जाए, इस ब्लॉग में ही मेरा आंसर है। समझ रहे हो, ये चीज समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी जी। इसका टाइटल तो एडिट कर दे, दे। बाकी ठीक है, क्योंकि अभी ये 80 प्लस नहीं हो सकता, फोर्सफुली भी नहीं कर सकते। सर ये जो नीचे टाइटल रीडेबिलिटी में दो एरर्स आ रहे हैं, उनको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसमें क्या इशू आ रहा है? कुछ होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सेंटीमेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटीमेंट्स, इमोशंस आप ऐड करते हो अपने आर्टिकल के अंदर। इसके अंदर आपको जो है ना, मैं दिखाता हूँ ज़रा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पावर वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट निकल आती है, सेक्शन आर यूज फॉर दैट दिस, नहीं पावर वर्ड्स के ऊपर जो है ना, उन्होंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है इसकी। सो रीडेबिलिटी पे जो है ना, वो टाइटल को ना ऑलरेडी मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये वर्ड लिख दिया हुआ हाउ टू गेट, ठीक है। सो पावर वर्ड्स जो है ना, पहले एक लिस्ट निकाली थी क्योंकि मैंने इसके ऊपर ज़्यादातर काम नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। लिस्ट है वो मैं ओपन करके ना आपको दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर जो है ना वो वर्ड्स होते हैं जो आपके टाइटल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर उन वर्ड्स को आप यूज़ करो तो, लेकिन ऑलरेडी टाइटल स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने इसके ऊपर हाउ टू लिख दिया हुआ है। हाउ टू सबसे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होता है गूगल के मुताबिक, क्योंकि जो बंदा गूगल के ऊपर आ रहा है वो इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, ठीक है। और अगर उसको उसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है तो दैट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर मेरा ब्लॉग देखिए, मैंने हाउ टू वाले वर्ड से लिखा है और उसमें ना मेरे पास बस हेडिंग पेस्ट नहीं हो रही थी वो उसमें वर्ड से, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर ठीक है उसका, 58 मेरा ख्याल से प्लस है। मैं चेक कर, अच्छा सर इसके ऊपर जो है ना बस यहाँ तक ही होगा, 79 से ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी कीवर्ड यूज़ हो गया है और ये सबसे ज़्यादा उसके उसको गिराता है आपके कीवर्ड स्कोर को। ओके सर, बाकी इसके अंदर डेंटल इंश्योरेंस डाला था ना लास्ट टाइम सर, वो एक और है, हाँ जी उसका मैंने इसमें लिंक में डाला हुआ है।
off and ठीक है। टेंटन शोनस की मुझे अभी भी याद है कि मैंने कैटेगरी ऐड की थी, इसके अंदर शो नहीं कर रहा वो। यानी इंश्योरेंस करना सेलेक्ट कर देना, बाकी डेंटल इंश्योरेंस यहाँ पे कर लेना आपने। जहर भाई एक मिनट रुकिएगा जी जी, इसमें एडिट स्नैपिट में जाइए, एक मिनट जरा मैं एडिट स्नैपिट पे जी। जहर भाई टाइटल में हमने हाउ टू बी यूज किया हुआ है, नंबर ऑफ वर्ड 62 आ रहा है। हाँ ठीक है, और जो पम्मा लिंक है इसके अंदर तो हमने जस्ट कीवर्ड यूज किया है, इसमें क्यों 76 आ रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स कैरेक्टर्स हैं ये। हाँ, और उसमें ऊपर जो टाइटल में आ रहे हैं वो 62 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। हाँ यहाँ तो हम ये कर सकते हैं कि हम, क्योंकि टाइटल का हमारा मसला नहीं है इसके अंदर, अगर अगर शॉर्ट हो तो ठीक है। नहीं मसला टाइटल का नहीं है, मैं ये कह जी जी। हाँ अब मैं बताता हूँ, आपका जो मेन चीज़ आपको ट्रिगर करती है ना इसके अंदर, आपका यूआरएल जो है ना, यूआरएल वो शॉर्ट यूआरएल होना चाहिए ये, ठीक है। टाइटल को अगर मैं शॉर्ट कर भी देता हूँ लेकिन फिर भी इंश्योरेंस वाला जो है ना निकल जाएगा, जिस तरह से मैं 2024 रिमूव कर देता हूँ यहाँ से इन दैट केस, ठीक है। तो मेरा जो है ना वो एक पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि मैंने नंबर यूज़ नहीं किया उसके अंदर 2024 में। इस वजह से गूगल को लगना चाहिए कि मैंने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लिखी है अकॉर्डिंग टू द करंट ईयर, ठीक है। 76 करेक्टर्स हैं ये, ठीक है। 76 अगर मेरा खाली यूआर, अगर मेरा होता ना क्या उसे कहते हैं फोकस कीवर्ड यहाँ तक, फिर मसला कोई नहीं था। कोशिश करो कि फोकस कीवर्ड जो सर्च कर रहे हो वो तकरीबन को मैक्स 4 वर्ड्स का हो या 5 वर्ड्स का हो, 6 वर्ड्स करना हो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ओके सर, सर मेरा चेक कर लें। ओके सो आपका कौन सा ब्लॉग है? शेजा सेव किया होता आपकी, ठीक है शिजात जी। यार आपको तो ठीक है, 76 है ग्लैनुलर रिस्टोरेशन। फोकस कीवर्ड क्या है? ग्रैनुलर रिस्टोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये अनरिवीलिंग द मैजिक, ये आपका जो है ना पावर वर्ड्स होते हैं और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अक्सर होता है चैट जीपीटी हमें यही टाइटल लिख के दे देता होता है। ओके सो यहाँ कन्वर्ट भी किया था सर ह्यूमन में। ओके मुझे ये बताओ कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर नहीं लगाते होते, एक्सटर्नल लिंक लगाना भी है ना आपने। ओके सो इट्स ओके सो सबसे बड़ी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि मिस्टेक ये नहीं करनी है आपने, आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है ना आपने उसके ऊपर किसी और वेबसाइट का नहीं लिंक लगाना, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, समझ रहे हो। फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट के अंदर है उसके ऊपर किसी, अब ये आपका ना फोकस कीवर्ड है, इसके ऊपर आपने विकिपीडिया का लिंक लगा दिया है,
तो जो भी यूजर आएगा आपकी वेबसाइट ओके सर्च सर करेगा, वो अगर इस पे क्लिक करके डायरेक्ट किसी और वेबसाइट पे चले जाए, वो आपकी वेबसाइट पे तो स्टे नहीं करेगा, ठीक है? ओके सर समझ गया। तो ये चीज नहीं करनी, और हेडिंग में तो कीवर्ड लगाना ही नहीं है, जी सर। हेडिंग में कीवर्ड नहीं होना चाहिए आपका, आपका कीवर्ड होना चाहिए। ओके सो ये भी आपने ना इसके ऊपर भी विकिपीडिया का लिंक लगा दिया है, लिंक नहीं लगाना, रिमूव कर दे दो, जी इसको सर। हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। आपका जो इसमें पीछे यूज हुई हुई है ना, इसके अंदर तो आपने लगाया है, लेकिन इसकी जो टाइटल है इसमें भी आपने एज इट इज जी कीवर्ड ही प्लेस करना है, ताकि आपका टाइटल भी कीवर्ड से रिप्रेजेंट हो, सेलेक्ट कर देना। और ये सीन हो ओके गया सर वहां से, बट ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेगमेंट वन सेगमेंट टू, ये सेक्शन वन सेक्शन जी टू सर होते हैं जब आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हो। तो जब आप ह्यूमन में कन्वर्ट करते हो अच्छा सर उनको, तो ऑटोमेटिकली वो उसको जो है ना वो इसको चेंज कर देता है, इसमें जोन टू कर देता होता है या एरिया टू कर देता होता है। तो इसको आपने जो है ना प्रेस करना है, इनको आपने ओके लिखना सर नहीं है। सेम पिक्चर दो दफा रिपीट नहीं करनी कंटेंट में, ये दो दफा रिपीट हुई है, ठीक है? जी सर जी सर ओके सो सर्जिकल तक ठीक है, ये भी ठीक है। एंड आपके जो ये क्वेश्चंस है ना, ये बोल्ड होने चाहिए, बोल्ड में होने चाहिए, ओके सर हेडिंग नहीं देना इनको, बोल्ड में कन्वर्ट करना है। और सिमेट्री मेंटेन हो रही है, ऊपर थ्री लिखा है तो आगे फोर होना चाहिए, वर्ड्स वर्ड्स लिखा है तो वर्ड्स में होना चाहिए, वैसे काउंटिंग में ही आता था तक ये सेवन। आपने ऊपर नंबर में 5 को 6 कर दिया था, उसके बाद फिर गलत रिपीट हो रहा है नंबर। हाँ सॉरी, 5 6 7 8 और ये 9 10, ठीक है। ओके सो बाकी कंटेंट ठीक है। बाकी ठीक है एंड तो कैपिटल जी होना चाहिए यहाँ पे टाइटल के अंदर। मेटा डिस्क्रिप्शन इधर नहीं लिखते, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वर्ड नहीं लिखना है, मेटा क्योंकि ऑलरेडी ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? जी सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी
सर ये ह्यूमन में कन्वर्ट करने का कोई आसान तरीका बताएं, क्योंकि सर मुझे तकरीबन 4 से 5 टूल्स में से गुजार के जो है ना ह्यूमन में मैंने कन्वर्ट किया था, इसमें रीराइटर में जो है मतलब उस तरीके से नहीं हो पा रहा था ना। मैं जब भी करता था तो वो AI कॉन्टेक्ट ही जो है वो आ रहा होता है, तो सर इसका कोई हल बताएं। इसका मैं हल बताता हूँ, बस एक मिनट मैं ज़रा कंटेंट देख लूँ। अच्छा, आपने जो सबसे बड़ी गलती की है ना इस ब्लॉग के अंदर, आपने अपने कीवर्ड के ऊपर ना विकिपीडिया का लिंक लगा दी, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है जी सर, ये नहीं करना आपने। ओके सर, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, ये गलती से लग गया होगा। ठीक है, बाकी देखो कीवर्ड डेंसिटी ग्रैनुलर रिकवरी इनोवेशन। ये क्या है, स्पेसेस बहुत हुई हुई है, न्यू टैब में जा रहा है, इस चीज को कवर अप करना है। ठीक है, रिस्टोरेशन रिक्रूपेशन ठीक है। सो ये भी हो गया, इसके बाद अब हमने लगाना है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक लगाने के लिए सिंपली, अच्छा इसके अंदर ये देखना सीन ऑफ एडवांस रिपोर्ट, अच्छा ये जो है ना आपकी ये वाली हेडिंग थी सीन ऑफ एडवांस रिबर्थ, और नीचे जो था ना वो आपका पैराग्राफ आउट हो, आपने पैराग्राफ के फर्स्ट थ्री वर्ड्स को जो है ना वो बना दिया है हेडिंग। हाँ, इसको बनाना है मैंने हेडिंग। हेडिंग बनाने के बाद इसको मैंने दोबारा पैराग्राफ ही बनाना है, और पैराग्राफ बनाने के बाद सिंपल इसको मैंने अनबोल्ड कर दिया। ठीक है,
हो गया, डेंसिटी भी क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर लगाना है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक लगाने के लिए सिंपल, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब आप ब्लॉग लिख लो ना तो एक बार सारा ब्लॉग पढ़ लेना चाहिए, आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कौन से वर्ड के ऊपर एक्सटर्नल लिंक लगाना है। ओके सर। अक्सर अगर चैट जीपीटी किसी दूसरी फर्म को कर देता है तो आपने जो है ना फिर उसको जो है ना वो रेकमेंड करना होता है, बोल्ड नहीं करना हेडिंग को, क्योंकि बाकी किसी ब्लॉग्स के ने बोल्ड नहीं किया हुआ हेडिंग को। ई कॉमर्स के ऊपर लगा दो आप लिंक। विकिपीडिया का लिंक लगा दो ई कॉमर्स का, अगर कोई चीज़ नहीं मिली, क्योंकि हमने एक्सटर्नल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और इसके अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको हम आगे इन एक्सटर्नल लिंक लगा सकें। ओके सो अब ये फाइनलाइज ब्लॉग है, समझ गए सब ठीक है जी सर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जाके कैटेगरी ऐड कर लेनी है, पोस्ट में, पोस्ट में जाने के बाद टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो रिस्टोरेशन डेवलपमेंट इसको रहने दो, टैग्स रहने दो और फीचर इमेज लगा देनी है, आपने लगाई हुई है, पब्लिश कर दो इसको। ओके सो आप किसका ब्लॉग है, 12 मिनट रहेंगे मीटिंग एंड होने में, जल्दी जल्दी वो फर्दर स्टार्ट करते हैं। ओके थैंक यू सर। सर मेरा देख लीजिएगा जी, ये किसका ब्लॉग है, वसीम, वसीम का ब्लॉग। अब किसने बोला मेरा देख लेना ब्लॉग, सर कैसर खादिम हुसैन, कैसर सर मुल्तान से। ठीक हो गया कैसर, आपका ब्लॉग देख लेते हैं। ये ओके सो फीचर में तो बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, 10 प्रूवन वेज टू इंक्रीज द इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोटेक्ट। आपका सर आपके शागिर्द है वो आपसे थोड़ा सा सीख लिया सर। माशाल्लाह जबरदस्त है। सो इंक्रीज द इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोडक्टिविटी, ये आपका फोकस है, हाउ टू इंक्रीज द। जी सर, बस सर मुझे एक इश्यू उसमें ये है कि मैंने ना जब वर्ड से इसको कॉपी पेस्ट किया ना तो मेरी हेडिंग नहीं, हेडिंग खत्म हो गई, अब उसको हेडिंग्स कैसे बनाएंगे दोबारा। हेडिंग बनाने के लिए सिंपल आपने इस पे क्लिक कर लेना, ये आपका जो टैग है इस पे क्लिक करके इसको हेडिंग में कन्वर्ट, लेकिन वो सबको हेडिंग में हो जाएगी। अब इसको उसने पता क्या किया, उसने ना इस सबको एक ही ब्लॉक में ले आया, ये जो सारा आपका है ना नीचे वाला, ये सारा एक ब्लॉक में। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपल आपने अगर इसको हेडिंग में लेकर जाना है तो आपने इसको एंटर एंड इसके भी आगे एक एंटर करके न्यू ब्लॉग हो गया, तो हम इस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे जब ये सेपरेट हो। अभी देखो ना एक ही ब्लॉग में है, इसको हम लेकर जाते हैं तो हमें ये देखो ना, जब ये आप पैराग्राफ पे लेके जाओगे ना आपको पता लग जाएगा ये एक ब्लॉग के अंदर, जब एक ब्लॉग के अंदर होगा तो इसका मतलब ये सब के ऊपर अप्लाई चेंजेस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लॉग से रिमूव करेंगे। ब्लॉग से रिमूव करने के लिए सिंपल एंटर,
एडिटर एंड अब चेक करते हैं, ये सेपरेट हो गया, ऊपर वाला हेडिंग सेपरेट हो गया, ये देखो सेपरेट हो गया, और नीचे वाली ये सेपरेट हो गया, ये चीज़ समझ आई। एंटर के थ्रू आप अपने ब्लॉग को सेपरेट, आप इस पर क्लिक कर लेना और हेडिंग पे क्लिक कर लेना, तो आपकी ये हेडिंग बच जाएगी, समझ गए हो। हेडिंग को बोल्ड नहीं करना आप सबने। सर ये ना ये जो टूल बार है ये आपके पास ना इस तरह आ रहा है, मेरे पास तो ये जो सर सिर्फ ऊपर वाली साइड पे टूल बार आ रहा होता है, मतलब वो पिक्चर के पास। नहीं नहीं इसके ऊपर भी आ रहा होता है, इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा टूल बार, देख रहे हो ना। अब ये देखो ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये सब एक ही ब्लॉग में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे ब्लॉग को हमने रिमूव करना है, तो वो कैसे करना है, हमने आगे जहाँ पे उसकी हेडिंग ख़त्म हो रही है एंटर प्रेस कर लेना है, और जहाँ से उससे पीछे एक जो है ना ब्लॉग ख़त्म उधर से भी एंटर प्रेस कर लेना है। अब हमने इस पर क्लिक करके चेक कर लेना कि ये एक सेपरेट आ रहा है, सेपरेट आने के बाद जो हमने एंटर के थ्रू स्पेसेस ऐड की थी ना उनको हम ख़त्म करेंगे। एक ख़त्म होगी दूसरी, और नीचे भी जो हमने एंटर के थ्रू स्पेसेस ऐड की थी उनको हम ख़त्म कर देंगे, समझ गए। अब ये इसके पैराग्राफ के अंदर एंटर करेंगे, पैराग्राफ से बाहर निकल आएगा, इसको हम क्लिक करके हेडिंग में ले आएंगे, और फिर हमारी जो ये इस पर एक्स्ट्रा स्पेस को एंटर कर देंगे। ये चीज़ समझ आई है। एंटर के थ्रू आप अपने हेड पैराग्राफ्स को और हेडिंग को दोनों को अलहदा कर सकते हो। कैसे? हेलो, मीटिंग में आए सब? हाँ जी हाँ जी है। कैसर भाई को आवाज नहीं जा रही? कैसे आवाज आ रही मेरी? यार भाई रीडिंग टाइम डाल सकते हैं इसके अंदर? रीडिंग टाइम डाल सकते हैं इसके अंदर? कौन सा, मुझे समझ नहीं आई। मतलब मैं एक ब्लॉग देख रहा था तो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने मेंशन किया हुआ था रीडिंग टाइम पढ़ने का वक्त। जी 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 रीडिंग टाइम नहीं डाल सकते। नहीं क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हम यहां पे स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे, हम यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जो होती हैं स्टोरीज उसके अंदर हम रीडिंग टाइम डालते होते हैं, ठीक है। और रीडिंग टाइम इस वजह से भी, और हम यहां पे डेट्स भी मेंशन नहीं करते ऊपर कि ये ब्लॉग का पोस्ट हुआ है, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम वक्त के साथ अपने ब्लॉग को ना आगे जाके एडिट भी करते हैं ताकि हमारा रैंकिंग में ही रहे। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ब्लॉग्स, एक होती है न्यूज़। जो होती है ना न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट्स, वो होती हैं अपडेटेड न्यूज़ के साथ। उसके अंदर ये है कि जब न्यूज़ पोस्ट की उसके ऊपर तभी ट्रैफिक आनी है, उसके बाद नहीं आनी, क्योंकि उसके अंदर हम फोकस कीवर्ड के ऊपर ड्राइव करके काम नहीं करते, वो बिल्कुल छोटा छोटा कंटेंट होता है। लेटेस्ट न्यूज़ लेते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। दूसरी साइड पे होते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स जो होते हैं ना वो आपके जो है वो सालों साल रैंक करते हैं, लेकिन जो न्यूज़ होती है ना न्यूज़ वो वक्ती तौर पर रैंक करती हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि एक दिन में हम तीन तीन चार चार पाँच पाँच न्यूज़ डाल रहे होते हैं। वो होती हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर भी मैंने न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट्स बनाई हुई थी पहले, लेकिन वो इतनी वर्थेबल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ ट्रैफिक नहीं रहता, आपको डेली बेसिस पे ना उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपके पुराने ब्लॉग और पुरानी न्यूज़ रैंक नहीं करती। सही सही सही। न्यूज़ में और इस ब्लॉग में बहुत डिफरेंस है। सर आप इस चीज का बता दें। हाँ जी, ह्यूमन में कन्वर्ट करने का। ओके, सो इन दैट केस ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हो रहा कैंडिडेट्स का, उसका मैं बता देता हूँ। सर कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन काफी मुश्किलात जो है ना पेश आ रही है उसमें। देखो मुश्किलें तो पेश आएंगी क्योंकि हमने खुद तो लिखा नहीं है कंटेंट इस वजह से। जी जी सर, इस वजह से मुश्किलें तो पेश आएंगी। कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर मुश्किलें नहीं होती तो मजा नहीं आता उसको करने का? मैं अक्सर चैलेंजेस जरूर। जी सर जी सर, मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ना तो रात के 4 बजे मैं कर रहा था, टाइम देखा तो फिर 8 बज रहे थे। मैं भी जब काम करने बैठ, देखो वो काम अगर आप काम कर रहे हो और वो आपको वक्त का पता नहीं ना लगाता, इसका मतलब आपका उस काम में इंटरेस्ट है, और वो काम जिसके अंदर आपका वक्त गुजर ही नहीं रहा होता इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही है ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि काम वो करना चाहिए जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, हमेशा रेकमेंड करें। लाइफ में अगर आपको पता नहीं लग रहा कि आपने
जो है वो करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी जो है ना अपने आप का एनालिसिस करोगे, यार आप ऐसा कौन सा काम करते हो जिसके अंदर आपको पता नहीं लगता कि टाइम क्या हो गया, ठीक है। सर मैंने ना क्वाइल बूट के नाम से ना एक सॉफ्टवेयर मिला था, वो क्योंकि मेरे पास स्पिन रीराइटर नहीं था उसमें ना, जो मैंने वो खरीदा था प्रीमियम, तो वो सर उसमें ना अब वो ठीक हो रहा है, मतलब के क्वाइल बोर्ड में बस सर वो मेरे पास उसमें है प्रीमियम वाला ना, लेकिन वो ये बताएं तो लेकिन ये बताएं वो ठीक है ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें ये बताता नहीं है कि ह्यूमन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, जिस तरह आपके वो टूल बता रहा था ना वेबसाइट से पता लगता है। कॉपी लिंक दे सर, उसके ऊपर छोटी सी क्लास बना ले, उसको थोड़ा डेमो दे दें। चलो नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर कंप्लीट दूंगा क्योंकि अभी तो टाइम खत्म होने वाला है। अब जिन कैंडिडेट्स के मैंने सही किए हैं, अच्छा आप लोग आपस में भी एक जो है ना वो क्लास रख सकते हो, इसके अंदर जिसकी स्पेशलिटी ज़्यादा वो लीड करे ताकि बाकी कैंडिडेट्स इसको सुने, इससे क्या होगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस पड़ेगा, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। आप लोग आपस में भी इस तरह से क्लास अरेंज किया करें, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अभी कैसे रहा आपकी, इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हैं, इसको क्लियर करना है और सिंपल वे में कन्वर्ट करना। आपकी जो है ना वो हेडिंग्स की कैसे बनानी है, सिंपल आपने एंटर कर लेना तो एक नया पैराग्राफ में चला जाएगा, और इसी तरह ये जो हेडिंग जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसको भी एंटर कर लेना तो न्यू पैराग्राफ, पता कैसे लगता है आपने इस पर क्लिक करना है, ये हेडिंग टाइप पे कर्सर, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि ये हेडिंग का जो पैराग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है इस पर लेकर आना, इसका मतलब ये प्रॉपर हेडिंग में आ गया, अलहदा ब्लॉक बन गया। जब अलहदा ब्लॉक बन जाए तो आपने हेडिंग क्लिक करना है तो वो हेडिंग में चले जाएगा, और ये शुरू में पार्ट 4 लिखा हुआ है, इस तरह की लाइन्स हैं, इनको रिमूव करते जाना है और एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं डालने, जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस मैंने अभी किए हैं उनको एंटर करके ख़त्म कर देना। ओके सर, ओके, ठीक, ओके। तो देखो ना ये भी अब आ गया क्योंकि ये देखो ना एक ही ब्लॉक में चला गया। अब मैं इसको कैसे करना है, सिंपल एट द एंड ऑफ दिस हेडिंग एंटर कर देना तो वो एक न्यू टैग में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। इसको मैं दोबारा पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे हो गया, इस तरह से हो जाएगा क्या सर। फिर आपने फोकस कीवर्ड को H2 हेडिंग में डाल देना है, कीवर्ड डेंसिटी शॉर्ट, आपकी तो काफ़ी SEO पड़ी हुई है, अब इसको करना है, ठीक है। सेव ड्रॉप कर दिया मैंने, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस रह गए हैं, मुझे पता लग गया। सो आपने जहर भाई कैटेगरी बताएं, हाँ जी कंप्लीट करें पहले, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैटेगरी डिफाइन कर दें इसकी। मैंने एक ब्लॉग लिखा है मैरिज एजेंसी रिव्यू पे, तो उसकी कैटेगरी भी वो कर दें, बना दें या बता दें किस में डालूं वो मैं। चैट जीपीटी के थ्रू हेल्प ले लो, सिंपल चैट जीपीटी पे। ना मैं मतलब वेब डू पे कौन सी किस कैटेगरी में मैं उसको डालूं, कौन सा ब्लॉग, ब्लॉग का नाम क्या है, मैरिज एजेंसी रिव्यू। ये कीवर्ड नहीं चलेगा इसके अंदर सर, जीरो के, अच्छा इसमें वेब डू पे नहीं चलेगा, हाँ क्योंकि मेरे वो उसकी 0% KD थी और 1700 वॉल्यूम था ना, मैंने कहा बड़ा अच्छा हो लेकिन फायदा कोई नहीं है इस कीवर्ड का, क्योंकि ये किसी दूसरी वेबसाइट पे लगा सकते हो, सर यहाँ पे इसकी वेबसाइट्स होती हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक बात बता दें कि एक ही नीच पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंश्योरेंस पे काम कर रहा है तो अलग अलहदा ब्लॉग जो है ना वो फिर मैरिज पे या इस चीज पे नहीं लिखे, अगर कोई इंश्योरेंस पे लिख रहा है तो इसी कैटेगरी में से लेना। बिल्कुल, अगर जैसे मैं टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही जो है वो काम करना है। मैंने आपको दो टेक्नोलॉजी फिर ब्लॉक रैंक, बिल्कुल बिल्कुल, दो मैंने कैटेगरीज दी हैं, एक इंश्योरेंस और एक टेक्नोलॉजी, इन्हीं के ऊपर आपके ब्लॉग्स होने चाहिए, रेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर नहीं होने चाहिए। सर अब तो अगर नीच से हट के मतलब आप ब्लॉग डालें तो वो मेरे ख्याल से गूगल डी रैंक कर देती है वेबसाइट पे से, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने मीटिंग एंड हो गई, मुझे पता नहीं।